नमस्कार, मैं हूं आरती। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार की सुबह बहुत बड़ा सियासी उलटफेर लेकर आई। एक तरफ लगभग ये तय हो चुका था कि अब की बार शिवसेना सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया। वहीं एनसीपी के मुखिया शरद पवार के भतीजे अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। उद्धव ठाकरे तो क्या किसी सियासी पंडित को भी इसका अंदाजा नहीं था कि शुक्रवार शाम को जो शरद पवार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मना रहे थे, उनके ही भतीजे अजीत पवार सुबह तड़के तक पूरी कहानी पलट कर रख देंगे। अजीत पवार ने अपने ही चाचा की पार्टी एनसीपी को दो हिस्सों में बांटकर बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना ली। बीजेपी की इस जीत में अजीत पवार सबसे बड़े मोहरा बनकर उभरे, जिन्होंने आखिरी मौके पर बाजी पलट दी और शिवसेना खिसिया कर रह गई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद संजय राउत ने पहले ट्वीट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उन्होंने जमकर अजीत पवार पर अपनी भड़ास निकाली। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए अजीत पवार को पाप का सौदागर बताया। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार ने शरद पवार को धोखा दिया है, ये पाप रात के अंधेरे में किया गया, जिसमें राजभवन की शक्तियों का दुरुपयोग हुआ। राउत ने कहा कि शुक्रवार को भी जब अजीत पवार बैठक में शामिल हुए थे तो उनके दिल में चोर था और वो नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहे थे। प्रतिक्रिया के बारे में हिंदी में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अजीत पवार की क्या प्रतिक्रिया है मुझे मालूम नहीं, उनकी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। कल 9 बजे तक ये महाशय हमारे साथ बैठे थे, पूरी बातचीत में सक्रिय थे, उन कोई सूचना भी कर रहे थे, अचानक से वो गायब हो गए। हमें थोड़ा संशय आया था उस बारे में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो नज़रों से नज़र मिलाकर नहीं बोल रहे थे। जो व्यक्ति पाप करने जाता है उसकी नज़र जिस प्रकार से झुकती है, वो झुकी हुई नज़रें से बात कर, ठीक है बातचीत एक दिन के लिए आगे बढ़ गई, उसका मतलब ये नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पक्ष ने राजभवन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, फिर एक बार ये इस देश के लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। सत्ता, पैसा और मस्ती, ये सब फिर एक बार उसका गैर कानूनी ढंग से इस देश में वापर किया है। शिवसेना का आरोप है कि अजीत पवार ने जेल जाने से बचने के लिए ऐसा किया। बहरहाल, अब तो महाराष्ट्र को एक नई सरकार मिल गई है। बीजेपी का दावा है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और वो आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे। ऐसे में शिवसेना अब सिर्फ सांप निकल जाने के बाद लकीर ही पीट सकती है और कुछ नहीं। राजनीति ऐसा ही खेल है जिसमें जो जीता वही सिकंदर है। अजित पवारांनी जी भूमिका घेतली आणि पक्षात बंडखोरी केली, त्याच्यामुळे आपण म्हणालात की शिस्तभंगाच्या कारवाईत बसतो, तर त्यांच्यावर आपण बडतर्फीची कारवाई करणार। असं की हे पक्षाच्या बैठकीत या संबंधीचा निर्णय घेतला जाईल, निर्णय निश्चित घ्यावा लागेल, घेतला जाईल। परंतु हा निर्णय कोणी एक व्यक्ती घेत नाही, पक्षाचं पार्लमेंटची ऊर्जा डिसिप्लिन कमिटी आहे, त्यामध्ये हे निर्णय घेतले जातात। आप सबने कहा, जोशी ने भी कहा कि आप एक साथ हैं, कांग्रेस की बैठकीत
दीपक बहादूर सर 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 हा तुमच्या कुटुंबासाठी किती मोठा धक्का आहे, पक्षासाठी धक्का आहेच? मला काही त्याच्या फारशी चिंता वाटत नाही. आणि अशा सगळ्यातून मी गेलो 1980 साली. माझ्या पक्षाचे त्यावेळेला 58 आमदार निर्वाचित झाले होते आणि त्याच्यानंतर त्यातले 6 शिल्लक राहिले माझ्यासह आणि बाकीचे सगळे अन्य पक्षात गेले. पण त्यानंतरच्या होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जे गेले त्या सगळ्यांचा पराभव करायला मी यशस्वी झालो आणि पुन्हा एकदा आमचा नंबर जो होता तो आणखी वाढलेला आम्ही दाखवू शकतो. त्याचा काही परिणाम होते कुटुंब वेगळे आणि पक्ष वेगळे. सीधी बात है, एक बार ये मेजॉरिटी एस्टेब्लिश करने का जो मौका दिया है वो पूरा होने के बाद ऐसे उसी की सरकार बनेगी. सरकार बनाने में कोई दो राय नहीं, सरकार हम बनाएंगे, बना सकते हैं, वो नंबर हमारे पास है. शुभांगी ठाकुर, शिवांगी ठाकुर. सुप्रिया सुले का बिल्कुल इनके शीर्ष पार्टी फोन है. सीधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिस इज हर टर्म और बेसिक इंटरेस्ट इज इन नेशनल लेवल पार्लियामेंट नॉट हियर. सुनील काले वन बाय वन सांगितलेलं आहे. सुनील काले मला माहित आहे, तुमच्याकडे काही माहिती असेल तर मला सांगा. सौरभ गुप्ता, सौरभ गुप्ता प्लीज. मिस्टर पवार, यू आर सेइंग दॅट यु नो द एमएलएज, फ्रॉम व्हॉट यू सेड इट सीम्स दॅट द एमएलएज वर अवेअर दॅट दे वर बीइंग टेकन टू द राज भवन. सो इन दिस सिच्युएशन दे वर नॉट अवेअर. दे सेड वी आर नॉट अवेअर, वी हैव बीन टोल्ड टू कम हियर टू डिस्कस एंड वी टू सीट एट वन पर्टिकुलर प्लेस. दॅट्स व्हाय they sat in the car and the car LCBC took them to Raghavan. So in this situation is Urvashi Khona, please approaching court, because this is obviously Urvashi Khona also concerned. Pawar sir, what went wrong with Ajit Pawar? Was it, you know, the starting time when he resigned as MLA, when things were going wrong between you two? What is it that went wrong between you two that Ajit Pawar went ahead and took this step? No, there you see, I'm not fully at all aware of what exactly happened. See, yesterday we were together, we were discussing, we were planning our next course of action, and we never expect this type of action from our colleagues. Who did that? Yes, sir, can you say that you should talk about it? कायदेशीर पेज तयार होईल का? त्याचा अभ्यास आता केलेला नाही. कायदेशीर फेसर लिगल फंक्शन बघावं लागेल पण त्यातल्या क्षेत्रातल्या राजकारणाशी बोलू. मुद्दा असा आहे की अजित पवार काही एकटे गेलेले नाही, त्यांना काही तुमच्या पक्षातले काही दुसरे नेतेही असतील ते त्यांच्यासोबत असू शकतील का? कारण इथे धनंजय मुंडे कुठे दिसत नाही, अशी चर्चा होती की तेच त्यांच्यासोबत आहेत. तर जर आता कोण नेता असेल तर त्यांच्यावर सुद्धा पक्ष कारवाई करणार. साधी गोष्ट आहे की पहिल्यांदा गैरसोयीचे जर कोणी गेलं असेल तर त्या संबंधीची कारवाई करण्याची काही गरज नाही. जाणीवपूर्वक कोणी काही ऍक्शन घेतली असेल पक्षाच्या विरोधी तर त्यावेळेला आमची डिसिप्लिन कमिटी पक्षाची आहे, ती त्या संबंधीचा निर्णय घेईल. विनय देशपांडे simple thing, as far as information and as far as those who were present in Raj Bhavan from that source and the photographs which we have seen, it looks like that 10 to 11 MLAs from our side were there. So out of that, two are already here. Three.